कि दो साल से पवन सिंह के पीछे कुल हाथ धो के न पड़ता है नहा धो के पड़ गई है एक बार जो मुंह खोल खोल देंगे पवन भैया तो तुम तो मुंह दिखावे लायक नहीं बचोगी मार्केट में अब बड़का तिसमार खान बन रही हो हैं अरे क्या जानता है तुमको जब वो कहती थी कि हम जवानी पवन सिंह पर लूटी तब याद था पवन सिंह कौन है याद थे और अभी के डेट में वो भूल गई हैं बहुत टफ सवाल कर दिए हैं समझ गए और कोनो बात नहीं है ये पवन सिंह को बलि का बकरा समझ ली है जब मन करे रेल दो जब मन करे जो मन उल्टा सीधा बोल दो से। हाँ पवन सिंह इसको डिजिटल से लेके फिजिकल सब व्यवस्था कराना पड़ेगा तभी जाके कुछ अस्थिर होगी रो रोके पवन सिंह हमको मरवा देगा <laughs> पवन सिंह क्रिमिनल है एकाधो मर्डरों केस उस पर है मान लीजिए अगर कोई मैटर पवन भैया और खेसारी भैया में होता है तो वो लोग एक दोनों एक रेस के घोड़ा है जेकर जेकर कैरियर किनार लेता पवन सिंह के नैया पर चढ़ के पार हो जाओ आई कचरे है ही समझ गए कचरा ही है जहाँ गई है नासी है उनका वो दोनों का विवाद जायज़ है मान लीजिए हो बनेगा चलेगा उनका लेकिन ये अच्छा सही में एक पवन सिंह पर लाइव पवन सिंह करवा रहा है इतना बेरोजगार बैठे हुआ है लोग और ही भरवाती थी पसीना से तो कभी कहती थी लमहर कटहर क्या क्या ये जवानी पवन सिंह पर लूटी क्या 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 कहने के बाद नमस्कार प्रणाम मैं छोटू तबाही और आप सभी को एक बार फिर से तबाही न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के तड़कते भड़कते और उभरते हुए सितारे प्रिंस परदेसी जी जो कि काफ़ी अपने गायकीी के लाइन में संघर्ष कर रहे हैं और इनका गाना भी काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है तो सबसे पहले आपको प्रिंस परदर्श जी तबाही न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है जी दिल से आभार और तबाही न्यूज़ देखे वाला सभी भोजपुरा श्रोता समाज के दिल से प्रणाम अभी सावन में आपके कौन कौन से बोलबम के गाने बज रहे हैं सावन में बोलबम का अभी सबसे ज़्यादा मेरा चलने वाला गाना है कि पिया ड्राइवर हो धक धक कर त करेज टू करेज टू जी अच्छा प्रिंस परदेसी जी आप ये बताएं कि भोजपुरी में जिस तरह से इंडस्ट्री में अभी विवाद चल रहे हैं अक्षरा सिंह को लेकर मैं आपसे बात करने के लिए आया था अक्षरा और पवन सिंह का जो विवाद चल रहे हैं तो आ, मतलब ए, क्या है मामला थोड़ा तो सा विस्तार से बताएंगे आप उनका कहना है कि पवन जी को हम मतलब उनका नाम लेने से उनको एलर्जी है वो नहीं जानते हैं कि भोजपुरी का सबसे बढ़िया गायक कौन है बड़ा नहीं बढ़िया उनको याद नहीं है अजब जब वो ढोंढ़ी भरवाती थी पसीना से तो कभी कहती थी लमहर कटहर क्या क्या ये जवानी पवन सिंह पर लूटी क्या 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 कहने के बावजूद भूल गई दो चार पाँच महीना में बहुत हुआ होगा एक साल हुआ होगा इससे ज़्यादा इतने को मैं भूल गई कि कौन है ये सब कुछ नहीं है समझ गए ये सिर्फ स्टाडियम का खेला है समझ गए मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अक्षरा सिंह स्टार्टअप के लिए ऐसा की हैं और क्या जब भी अक्षरा का गाना ना चले या कोई तरह का बात हो पवन सिंह पर लाइव पवन सिंह करवा रहा है इतना बेरोजगार बैठे हुआ है लोग मान लीजिए अगर कोई मैटर पवन भैया और खेसारी भैया में होता है तो वो लोग एक दोनों एक रेस के घोड़ा है दोनों मतलब समकक्ष हैं दोनों एक दूसरे के आसपास तो हैं दोनों बराबरी हैं वही वही दोनों एक दूसरे के आसपास हैं तो चलिए भाई एक जगह और खेसारी भैया तो खुल के बोले हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो भी करता है होगा खुल के तो बोले तो मान लीजिए उनका उनका वो दोनों का विवाद जायज है मान लीजिए हो बनेगा चलेगा उनका लेकिन ये अच्छरा सही में एक मगहिया जवान कचरा कहता है आई कचरे है ही समझ गए कचरा ही है जहाँ गई है नासी है आई अभी तक पवन सिंह के तरफ से कोई रिएक्शन आया कुछ नहीं खेसारी भैया कुछ वो नहीं, नहीं आया पवन सिंह में पवन सिंह के तरफ से क्यों रिएक्शन नहीं आया तो कचरा के आपके घर के आगे कचरा है तो कचरा पर ढेला मारिएगा मतलब आप अक्षरा सिंह को जिस तरह से आप बोल रहे हैं नाम बिगाड़ रहे हैं नाम बिगाड़ नहीं रहे हैं वो अपना चाल से नाम है हम बिगाड़ रहे हैं हम ही बोले थे उसको कि अथी इंटरव्यू में आके तू उल्टा सीधा बोलना बातो हमारा गोतिया है वो फ़ोन से बात होता है हमको कि हम बोले थे कि तू पवन सिंह के नाम पवन सिंह का नाम क्यों नहीं आया क्योंकि खेसारी लाल यादव जी तो बेस्ट सिंगर हैं ही अभी काफ़ी इंडस्ट्री में तहलका हल्का तबाही मचाए हुए हैं लेकिन पवन सिंह का अगर अक्षरा सिंह ने नाम क्यों नहीं लिया इसका क्लू या फिर कंडीशन आप बता सकते हैं कंडीशन यही है कि वो भूल गई हैं जब वो कहती थी कि हम जवानी पवन सिंह पर लूटी तब याद था पवन सिंह कौन है याद थे और अभी के डेट में वो भूल गए हैं कहते बहुत टफ सवाल कर दिए हैं याद नहीं यार नहीं खे याद आवत हैं याद क... याद कराबे के पड़ी का साले भर में भूल जाता रू मतलब कि आखिर कुछ ना कुछ तो अंदरूनी विवाद होगा तभी तो ऐसा अरे कौनो विवाद नहीं खे विवाद बागो स्टारम के जेकर जेकर करियर किनार लेता पवन सिंह के नैया पर चौड़ के पार हो जाओ समझ गए यही बात है और कोनो बात नहीं है अगर विवाद होता तो एक परसेंट चाहे देखिए सोम्या वाला ही मैटर में पवन सिंह लाइव नहीं आए बिक्की आके बोला ना जी तो बिक्की काहे बोले आके हैं काहे है बोले बिक्की काहे उनके टीम के हैं उनको बुरा लगा आप मान लीजिए कि हम ही खेसारी भैया के टीम के हैं पोन भैया के टीम के हैं आप किसके टीम से हैं हम सब के टीम से हैं आप किसके टीम में हमको देखना चाहते हैं बताइए ये है, है हमारे साथ में प्रिंस जी सभी के टीम से हैं और ये सबके फैन है ना मतलब नहीं नहीं की एक तरफा ना, 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 ना खाली कचरा छोड़ के सबका फैन है हाँ कर नाम ले, ले लेते हैं ना तो सही मजाक नहीं कर रहे हैं अगर उसका नाम कोई ले लेता है तो हमारा पैर वाला गुस्सा एकदम दिमाग पर चोर के नाचे लगता है क्या है अक्षर सिंह पापी तक गुस्सा में है कोई दिमाग के पैदल इंसान और एकदम जो होता है ना भटिया टाइप का आदमी उस टाइप एकदम बेजतिया आदमी उस तरह का इंसान है वो तो अक्षरा सिंह भी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अपना नाम बनाई बनाए कौचि हम आपके मूरी पर फलहार करके नाम बना लेंगे तो नाम कहलाता है पवन सिंह को तो स्टेज के दौरान लोग लो बोला कर कि हमारे गुरु हैं गुरु हैं आप ही कह रहे हैं कि हम चिन्हवे नहीं करते हैं तब तो? ऊ कैसा नाम है जी दूसरे का नाम बेच के दूसरा का नाम बदनाम करके एक बार लाइव आई थी रो रो के पवन सिंह हमको मरवा देगा पवन सिंह क्रिमिनल है एक आगो मर्डर केस उस पर है मर्डर केस है पवन सिंह पर एक आगो नहीं तो नहीं है तो ये कैसे कहती है कि मरवा देगा तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की तरफ से या फिर कुछ ऐसा अंदरूनी बात होगा कुछ तो कुलू है कि अक्षरा सिंह ने ऐसा क्यूं? कुछ नहीं है गाना, गाना पर जो उसको स्ट्राइक जाता है कोक तो गाना नहीं देखते कि तुम्हारा चैनल से उतर गया कुल तो चढ़ ले कौन स्ट्राइक आता था जो कि तुम दो मिनट में झेल लेती थी इसको डिजिटल से लेके फिजिकल सब व्यवस्था कराना पड़ेगा तभी जाके कुछ अस्थिर होगी समझ गई और को बात नहीं है ई पवन सिंह को बलि का बकरा समझ ली है जब मन करे रेल दो जब मन करे जो मन उल्टा सीधा बोल दो से? हाँ पवन सिंह दोषी कौन पवन सिंह आई शर्म आने चा, आना चाहिए इसको कि दो साल से पवन सिंह के पीछे कुल हाथ धो के न पड़ता है इन नहा धो के पड़ गई है लेकिन पवन सिंह ऐसा बेटा है कि लाइव आके एक बार एक बारे में कुछ बोला नहीं है अगर एक बार वो जवान मुंह खोल देगा ना तो जो होता है ना कि दिखाने लायक मार्केट में नहीं बच जाएगी समझ गए ये अल्टीमेटम है अच्छा तोहरा सीख एक बार जो मुँह खोल खोल देंगे पवन भैया तो तुम तो मुँह देखावे लायक नहीं बचोगी मार्केट में अब बड़का तिसमार खान बन रही हो हैं अरे के जानता है तुमको जिस समय तुमको कोई नहीं जानता था उस समय पवन सिंह तुमको बनाए खेसारी भैया बनाए आज आज तुम आज ना तुम चलो भाई आज पवन सिंह को तुम कह रहे हो तुम्हारा विवाद हुआ मान लिए खेसारी भैया तुम खेत जोते रहोन हैं उनको भी तो तुम बोलवे की हो आज बड़ी बढ़िया हो गया खेसारी जी ना छोड़ दो तुम बहुत खत्म आदमी हो तुम तुम्हारे कारण विवाद होता है तुम अच्छा तुम विवाद के मैन कारण हो दोनों भाई साथ थे बेटी का बर्थडे थे गए ना जी पवन भैया गए वो गए दोनों भाई बेटी के बर्थडे में खेसारी भैया बेटी के बर्थडे में नहीं गए थे आ, उसके बाद पवन भैया के बर्थडे में खिसारी भैया के नहीं आए आई जब से खिसारी भैया के कुंडली में गई है तब से दोनों में विवाद कौन नहीं चाहता यार छोटा इंडस्ट्री है सब चाहता है अरे दो गो तीन अब तीनों को कहाँ अब तो दुए गो स्टार अब निरहू जी तो चल गए आजमगढ़ के सेवा करे देख रहे सांसद भवन में अब वहाँ दिल्ली में दिस डेट करेंगे भोजपुरी में आएंगे करने अब तो दुए गो स्टार है यार दो गो में गंध मचा के रख दिया है लोग समझ गए आ गंध मचाने वाली को तो देखिए गंध मचा मचा हुआ है आ गंध कहाँ से आता है कचरा से तो कचरवा को साफ करना पड़ेगा ई जो है वैसा ही है इसका सब का सब को बिगाड़ के ही रख दिए अच्छा है प्रिंस जी हमें आप ये बात बताएं कि आ, मतलब कि जिस तरह से इंडस्ट्री में विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं छोटे कलाकारों का करियर बर्बाद हो रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बर्बाद नहीं हो रहा है तो एकरा के समझाई नू कचरवा के इंडस्ट्री बढ़ाना है आ कि एक बैक करना है है? आप लोग मीडिया वाले हैं आप लोग संविधान के चौथा स्तंभ है महाराज अभी बात कहते हैं हमसे पूछते हैं ये बात उससे पूछिए कि इंडस्ट्री को बढ़ाना है साउथ जब आए था ना मार्केट में तो हिंदी वाला समझता था यही कौन इंडस्ट्री है यही कौन आज साउथ का फिल्म करने के लिए हिंदी के लोग जाते हैं कौचि हीरो नहीं विलेन संजय दत्थे ना जी हिंदी के बढ़िया गए ना अथी करे हुँ, हुँ, है हुँ, कौन नहीं गए दो चार गो हीरोइन भी है हिंदी की तो वैसा हम लोग को बनना है समझ गए और खेसारी भैया पवन भैया दोनों से अनुरोध है कि कचरवा को छोड़िए आप पे भोजपुरी का पहले तीन पिलर थे अब आप, आप लोग दो पिलर बच गए हैं समझ गए अब भोजपुरी में अब दो ही पिलर हैं और दो पिलर पर पूरा भोजपुरी टिका हुआ है जो पहले थे वो तो चले गए अब आपको चलाना है कि कैसे चलाना है समझ गए तो आपको इस जन आपको इसके पीछे नहीं भागना है कि कचरवा ककर पक्ष में बोल रही है और कई पक्ष विपक्ष के चक्कर में भोजपुरी का लुटिया डुबा दीजिएगा इससे बढ़िया है कि दोनों भाई मिलके काम करिए आ एकदम गर्दा उखाड़ के रख दीजिए कैसे आप लॉलीपॉप लाए और ठीक है लाए ठीक है लाए श्रीलंका में बजा। लोग लोग नहीं समझता होगा बात अलग है लेकिन ठीक है इतना बरबच गया श्रीलंका में अच्छा लगा अरे भोजपुरी भाषा वहाँ चला गया है आज हिंदी के लोग कहते ना जी फलनवा लोलीपॉप वाले एक कपिल शर्मा के शो में देख रहे थे निरहुआ जी थे खेचारी बैठे थे वो सिंगर को नहीं लाए जो लोलीपॉप गाए हैं आखिर नाम है ना है तो वैसा कीजिए महाराज आप दोनों को देख के कितना आदमी जी रहा है और आप एगो कचरवा के चक्कर में देता है अरे पवन खेसारी काम करना बंद कर दे कचरवा के साथ तो एक औकात बा नू तो एक सौ मिलियन गाना टपा के दिखा दे सौ मिलियन अच्छा के पूरा खुला चैलेंज बा कि पवन भैया पवन भैया तो नहीं करें खेसारी भी अगर इसके साथ काम नहीं करें अगर ये भूख नहीं मरी तो जो कहिएगा सो हम भी पटना में हैं वो भी पटना में हैं देख लीजिएगा अगर भूख नहीं मरी तो जो कहिएगा सो खाना प्राफत पड़ जाएगा इस सबको तो ये है हमारे साथ में प्रिंस परदेसी जी जो कि अक्षरा सिंह पे काफ़ी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं तो अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इस बात विवाद पर ध्यान मत दीजिए अब अहिरान भगवान चले अहिरान भगवान भी न चले <laughs> समझ गए आपके इंडस्ट्री में काफ़ी अहरान भगवान होते रहते हैं इसको तो मतलब कि काफ़ी इंडस्ट्री में अब चुनाव की तरह राजनीति हो एक बात भी आप बहुत अच्छा पूछ दिए अहिरान भगवान के भी स्टार्ट जो है ना कुछ दिन पहले ही हुआ है जब खेसारी भैया से हट के पवन भैया के लगे कह कचरवा गई थी उसी समय से खेसारी भैया गाए पवन सिंह का जवाब आया खेसारी भैया गाए उसके बाद पूरा मार्केट लोक लिया इस चीज़ को सार लाल यादव जी ने तो पहले तो हैरान नहीं गाए थे ई छोड़ के जादो जी मोरद असली जाके बाबू साहब से फसली गनो नहीं आया था वो तो आया था वो तो अक्षर अच्छा सिंह पे आया था लेकिन ट्रेड ट्रेंड की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि जादो जी के शब्द का उत्पत्ति आज ही खेसारी जी या पवन जी की है सो बात नहीं मैंने आज के डेट में जो हैरान भगवान हो रहे हैं ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एकदम नहीं होना चाहिए अरे छोटा इंडस्ट्री है अपना अपना रोटी सेकने के चक्कर में सब पड़ा हुआ है यार कि मैंने हम सौ मिलियन चल जाए हम भाई कंपटीशन करना है तो अगले वाले से करो हिंदी वाले से कंपटीशन करेंगे भोजपुरी में तो सब भाई हैं तो किससे कंपटीशन करें खेसारी भैया ही हैं पवन भैया ही हैं तो सब तो एक हैं तो किरा से लड़ाई करें सही बात दोनों बड़े भाई हैं तो चलिए ये थे हमारे साथ में प्रिंस परदेसी जी और काफ़ी इन्होंने अच्छा बयान दिया तो हमारे दर्शक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शक को कहेंगे कि जिस तरह से तबाही न्यूज़ आपके बीच सच्चाई को लाती है उस तरह से तबाही न्यूज़ को भी आप लोग दिल से सपोर्ट करिए और तबाही न्यूज़ को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहिए और इनके जो हिम्मत है हौसला है उसको बढ़ाते रहिए और जब नामे तबाही हो काम तो तबाही वाला होकर तबाही में कोई अगर गलती करेगा तो किसी को रेल देंगे तवाही। जी जी ज़रूर ज़रूर जरूर, जरूर, जरूर कौन तो ये थे हमारे साथ में प्रिंस परदेसी जी मैं छोटू तबाही और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्रिंस जी जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी दिल से धन्यवाद आपका भी और भोजपुरिया समाज को भी जय भोजपुरी